हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गया हूँ फिर से एक नई बैटल वीडियो लेके और आपका मन लुभाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर टेरेंटुला और स्कॉर्पियन की कभी लड़ाई हो जाए तो उनमें से कौन जीतेगा। विनर जानने के लिए मैं कुछ फैक्टर्स पर इन दोनों की तुलना करूँगा। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा मोरल थोड़ा बूस्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सी वीडियो को। सबसे पहला फैक्टर है साइज। आपको अर्थ पर टेरेंटुला की 1000 से भी ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगी, जबकि स्कॉर्पियन की स्पीसीज 2000 से भी ज़्यादा हैं। अगर मैं साइज की बात करूँ तो टेरेंटुला का साइज स्कॉर्पियन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो साइज के मामले में टेरेंटुला काफ़ी आगे है। दूसरा फैक्टर है स्पीड। इसमें भी टेरेंटुला के पास एडवांटेज है। तीसरे फैक्टर पर जाने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको ये तो बताया कि टेरेंटुला की स्पीड स्कॉर्पियन से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी देखने की शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जी हाँ, इन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो फिर इन्हें रास्ते का पता कैसे चलता है? देखिए, इसका राज टेरेंटुला के बालों में छिपा हुआ है। टेरेंटुला के ये हेयर इसे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, जिससे इससे इसकी सराउंडिंग का आसानी से पता लग जाता है। तो चलिए हम अपने तीसरे फैक्टर की ओर आते हैं, जो कि है वेनम। कौन कितना ज़्यादा जहरीला है? देखिए, इसमें स्कॉर्पियन के पास एडवांटेज है, क्योंकि इसका जहर काफ़ी ख़तरनाक है, इवन टेरेंटुला से भी ज़्यादा है। तो कौन होगा बैटल का विनर? अकॉर्डिंग टू मी, स्कॉर्पियन इस फाइट को आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि इसका वेनम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा डेडली भी है। सो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।